रोजगार नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर है तब तक बाहर के लोगों को फायदा मिलेगा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको जाएंगे, और जो जम्मू की जनता है, कश्मीर की जनता है, उनको परे कर दिया जाएगा। यह रियलिटी है। और एक कारण भी है कि आपसे स्टेटहुड छीना गया, कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग ना चलाएं, बाहर के लोग चलाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से काम हो और जम्मू कश्मीर की जनता की जो प्रोस्पेरिटी है वो खत्म हो जाए। यह आक्रमण जो जम्मू कश्मीर में स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पे हुआ है, यह बाकी देश में भी हुआ है। पूरी सरकार अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए चलती है। जीएसटी एक हथियार है। जम्मू के एंटरप्रेनर्स, जम्मू के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण करने का हथियार है। नोटबंदी एक हथियार था। यह पॉलिसीज नहीं है, यह हथियार है, और इनका लक्ष्य रास्ता साफ करने का है। किसके लिए? अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए। नोटबंदी और जीएसटी ने, गलत जीएसटी ने, हिंदुस्तान में लाखों स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस खत्म कर दिए। अभी मेरा प्रोग्राम था, कुछ मिनट पहले मेरा प्रोग्राम था, एक लड़की आती है, कहती है, राहुल जी मेरा सपना था, मैं छोटा बिजनेस चालू करना चाहती थी। गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रांट मिलेगा, मैंने पूरी प्रिपरेशन कर दी, एरोमेटिक्स का मेरा बिजनेस था, मैंने पूरी तैयारी कर दी, मुझे कहा कि पैसा मिलेगा, पैसा नहीं आया। मेरी मां की डेथ हो गई, मेरे पिता ने मेरी मदद की, मगर मेरा बिजनेस खत्म हो गया। आज मैं छोटा बिजनेस नहीं चलाना चाहती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जम्मू कश्मीर में छोटा बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है। मगर यही आपकी रीढ़ की हड्डी है, यही आपकी स्ट्रेंथ है, इसी में आपका रोजगार है, इसी में आपका भविष्य है। और आप किसी भी युवा से पूछ लो, वही जवाब मिलेगा। वो लड़की अब कह रही है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हूं, मैं आईआईटी में जाना चाहती हूं। आईआईटी में कितने लोग जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग जाएंगे? 1% जाएंगे, 2% जाएंगे, 3% जाएंगे, 5% जाएंगे, 95% का क्या होगा? जहां भी देखो वहां आपको अदानी अंबानी दिखेगा। पहले आपका रोल था कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में, और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते अदानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का, नरेंद्र मोदी। आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है? जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपना देखते हैं,
एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा, उनके कितने बैंक लोन माफ हुए हैं। कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? जीरो। आप अगर बैंक लोन लेते हो और पैसा वापस नहीं देते हो, आपको जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो, कितना चाहिए, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, जितना चाहिए ले लो, जो करना है करो, जो इंडस्ट्री खरीदनी है खरीदो, लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा वो किसी और के हाथ में, चलो सीबीआई केस लगाओ, ईडी केस लगाओ, परे करो उसको, अदानी को दो। ये मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में है। अगर आप गरीब हो तो इलेक्ट्रिक मीटर लगेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगेगी, चमकते हुए मीटर लगेंगे, आपके जेब में से पैसा निकालते जाएंगे। जीएसटी लगेगी। अभी आपने पता नहीं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट वाली कहानी सुनी या नहीं? वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने खड़ा होता है, कहता है मैडम बड़ी मुसीबत है, मैं अगर बन बेचूं एक जीएसटी लगती है, अगर उसमें क्रीम डाल दूं दूसरी जीएसटी लगती है, अगर बन और क्रीम अलग बेच दूं तो तीसरी जीएसटी लगती है, मैं क्या करूं? और यही हालत सबके साथ है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी बना दी है, क्यों? एक्सटॉर्शन करने के लिए। गलती करो, ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, जीएसटी वाले आ जाएंगे, पैसा लेंगे चले जाएंगे। यही सिस्टम चल रहा है। तो ये चुनाव आपको अधिकार देने का चुनाव है, और शुरुआत स्टेटहुड है। उसके बाद सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर के जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है, उनकी रक्षा करने वाली सरकार होगी। बैंक के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी। उनकी जगह है, अंबानी की जगह है, अदानी की जगह है, मगर आपकी भी जगह है। यह नहीं होगा कि भैया उनको सब कुछ दे दिया और जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। सॉरी, कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। और जो हमारे रेफ्यूजीज हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके से आए हैं, 2014 में जो उनको वायदा किया गया था फाइनेंशियल पैकेज का, वो भी हम पूरा करके दिखाएंगे। ये जो स्मार्ट मीटर्स लगा रखे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी जी की टेक्नोलॉजी है, इसको हम यहां से हटा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। और जो पंजाबी है, इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। मगर मेन बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन
ऊपर है, वो भगवान से बात करते हैं, सुबह उठते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, आप लोग बायोलॉजिकल हो,